रविवार को न्यू जनरेशन अपार्टमेंट्स ढकोली जिरकपुर में सर्वहितकारिणी सभा व वीमेन सोसाइटी के संयुक्त प्रांगण में स्वच्छ भारत जागरूकता अभियान का शुभ आरंभ किया गया। अभियान के मुख्य अतिथि जिरकपुर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी सोनू सेठी रहे। अभियान का संचालन सर्वहितकारिणी सभा के अध्यक्ष रमेश चंद बाबा की अध्यक्षता में वीमेन पावर सोसाइटी जिरकपुर की उप अध्यक्षता लीना राठौर ने की। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट मैं हमारे सर्वहितकारिणी के प्रेसिडेंट आरसी बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनके निरीक्षण में ये कार्य हुआ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये अभियान हम जारी रखेंगे। मैम ये जो यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे की जो जमीन होती है जिसे काफी हद तक बहुत खराब हो जाती है बनने के बाद, जैसे गाय कुत्ते या फिर लोगों की वजह से गंदी हो जाती है, क्या इसके इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक नहीं किया? हाँ, उसके लिए हम जागरूक करेंगे। वहाँ पे जो ये रेड़ियाँ लगी हुई हैं वो हमने कह के हटवा दी गई हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कोई भी गाय वगैरह या कोई भी ऐसे ना आए, क्योंकि जानवर वहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो जानवरों को कहीं रोका नहीं जा सकता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ्लाईओवरों के नीचे साफ सफाई का अभियान चलाएं नेक्स्ट। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी वीमेन पावर सोसाइटी जिला मोहाली नेहा शर्मा, पंचकुला अध्यक्ष विजय जी अग्रवाल ने भी अपना पूरा योगदान दिया। इस मौके पर महिलाओं ने सभी को साफ सफाई को लेकर जागरूक किया। मौके पर समाज सेवी सोनू सेठी अपने अंदाज में लोगों को गीतों के माध्यम से अंदाज में जागरूक किया। वहीं सोसाइटी की सदस्यों ने लोगों को साफ सफाई का महत्व समझाया। वहीं इस मौके पर न्यू जनरेशन अपार्टमेंट की पूर्व अध्यक्षता व महिला मंडल प्रधान सुदेश शर्मा, जतिंदर पाल जिरकपुर, समाज सेविका जिरकपुर हंसराज शर्मा, प्रधान गौ माता सेवा समिति उपस्थित रहे। सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता के विषय है कि आज वुमेन पावर एसोसिएशन और सर्वहितकारिणी सभा न्यू जनरेशन अपार्टमेंट में जो जिसकी स्थापना हुई है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस अभियान को चलाया, जिसके तहत स्वच्छता के अभियान को फिलहाल हमने प्राथमिकता दी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी गंदगी भी होती है वहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और बीमारियाँ दूर करने के लिए स्वच्छता का अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि स्वच्छता दोनों प्रकार की हो, विचारों की स्वच्छता भी हो और जो सड़कों पर गंदगी फैली हुई है उसकी स्वच्छता भी हो, क्योंकि व्यक्ति के विचार स्वच्छ हो जाएंगे तो स्वतः प्रेरणा से अपने आप आगे बाहर निकल करके आएगा और सड़कों पे और घरों के अंदर जो गंदगी है उसको दूर करने के अंदर अपना सहयोग वो अवश्य देगा। फेरी करना चाह रहे हैं, ये भी नहीं है कि हमें कोई पदवी मिली है तो ही हमने ये काम करना है। हमने कहीं भी देखना है कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, या रास्ते में कोई पत्थर है, रोड़ा है, तो उसे हमने गंदगी को तुरंत हटाना है। ये नहीं बनता कि हमने किसी से कहना है, उस दिन तक वेट नहीं करनी है। फटाफट हमारी कोशिश रहे कि जहाँ भी कुछ दिख रहा है ऐसा जानवर है या रास्ते में कुछ भी है उसे हम तुरंत हटवाएं वहाँ से। देखो जी, हमारे देश में बदलाव उस समय आता है जब कोई ना कोई हादसा हो जाता है, बड़ा हादसा हो जाता है। अब जब दूर ना जाइए, जब अमृतसर में ये जो ट्रेन का हादसा हुआ दशहरे वाला, वैसे तो वो कह रहे हैं जी 25-30 साल से यहाँ पे दशहरा मनाया जा रहा था, लेकिन अब ये हादसा हो गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसे कई हादसे हैं जी, जैसे ये सांड घूमे, ये सांड जो सड़कों के ऊपर खुले घूमते हैं, जब ये किसी ना किसी को टक्कर मार देते हैं या किसी ना किसी को जानी नुकसान कर देते हैं तब जाके प्रशासन जागता है। मोहल्लों में कैसे कुत्ते घूमते हैं, जब वो किसी न किसी को काट लेते हैं तब जाके प्रशासन जागता है। तो मेरा तो यही अनुरोध है जी, इस तरह के जानवरों के ऊपर कोई धार्मिक राजनीति ना की जाए और इनके ऊपर भी कोई ना कोई कानून बनना चाहिए और इनकी का भी कोई ना कोई संभाल होना चाहिए। हर एक दुकान के बाहर दान पात्र की पेटियाँ रखी होती हैं जी, गऊ दान, उसका दान, इसका दान, और गऊँ ऐसे घूमती हैं। सो हाथ जोड़ के विनती है कि धर्म के नाम पर इस तरह का मजाक ना उड़ाया जाए और इतना लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है जी इनका, ये जो सांड वगैरह घूमते हैं ये अपने बाजारों में, सरकार एक जगह दे दे और सभी को वहाँ पे इकट्ठा करके, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा जी, एक शहर में कितने सांड होएंगे? मान लीजिए हमारे जिरकपुर में ही हैं, जिरकपुर में कितने होएंगे? ज़्यादा ज़्यादा 200-300, इतने ही हैं, इससे ऊपर नहीं है। सरकार इनके लिए एक जगह बनाए, उसके बाद देखिए जी सफाई, झाड़ू मारने की लोड़ नहीं पड़ेगी, स्वच्छ भारत अभियान चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब इस तरह के ये आवारा जानवर शहर से साफ हो जाए। इतना ही कहना है, थैंक यू। देश प्यार के लिए अक्षय धीमान की रिपोर्ट।
ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਫੋਟੋ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਓ ਯਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਾਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਝਾੜੂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਗਈ।